हाय दोस्तों, जी की ट्रिक भाई ऐप में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम अपने यूपी के दोस्तों कुछ क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों इस वीडियो बनाने का दोस्तों एक मकसद है, दोस्तों वो आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे दोस्तों। और आप दोस्तों पूरी वीडियो देखना, तब आपको दोस्तों एक सारा स्कैन के बारे में आज पता चलेगा दोस्तों। तो इसके पहले दोस्तों कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों जो मैंने लिए हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश की स्थापना, दोस्तों अपने उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 24 जनवरी 1950 कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। यूपी का राज्य फूल कौन सा है दोस्तों? यूपी का राजकीय फूल कौन सा है दोस्तों? पलस है, ध्यान रखना दोस्तों। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी दोस्तों सारस कैन है दोस्तों। आज वीडियो बनाने का दोस्तों इस पूरा वीडियो दोस्तों इस सारस कैन पर है दोस्तों। आज पूरी वीडियो देखना आप एक बर्ड के रूबरू देखेंगे दोस्तों कि एक बर्ड और इंसान में दोस्तों कितना प्यार और प्रेम होता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का राजकीय मिठाई दोस्तों जलेबी है, सभी को फेमस है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक राजकीय पशु बारहसिंगा है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का राजकीय गण कजरी है दोस्तों। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आते भी हैं दोस्तों, यूपी के जितने भी एग्जाम दोगे आप। उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक राजकीय पशु दोस्तों क्या है दोस्तों? राजकीय दोस्तों वो यार रिपीट होगा, राजकीय बारहसिंगा है दोस्तों। क्या है? बारहसिंगा है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखना दोस्तों। ये वीडियो सिर्फ इस सारस कैन पर है दोस्तों, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है दोस्तों सारस कैन। और सारस कैन के बारे में दोस्तों पूरा आप लाइव वीडियो देखना दोस्तों, पूरा रूबरू होगा दोस्तों एक प्रेम इंसान और बर्ड के बीच दोस्तों कितना महत्व होता है दोस्तों। एक बर्ड और कोई भी एनिमल्स हो दोस्तों बोल नहीं पाता, लेकिन वो हर बात समझता है दोस्तों। लोगों से ज़्यादा प्यार करते हैं वो आपसे दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं सारस कैन की दोस्तों वो वीडियो, आइए। ये वीडियो एक पक्षी और इंसान के बीच के भरोसे का है। आमतौर पर जानवर और पशु पक्षी इंसानों या दूसरे शिकारी जीवों पर भरोसा नहीं करते, लेकिन यूपी में इसका अपवाद देखने को मिला। दरअसल उत्तर प्रदेश के अमेठी स्थित गौरीगंज के जामो ब्लॉक के गांव मंडक मंजरे औरंगाबाद में पक्षी और इंसान की दोस्ती चर्चा में है। कारण है आरिफ खान और सारस की दोस्ती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स इस दोस्ती को फिल्म शोले में अभिनीत जय और वीरू से तुलना कर रहे हैं। अब आलम यह है कि आरिफ खान जहां भी जाते हैं सारस उनके साथ जाता है। घर में वो आरिफ के साथ खेलता है। सारस के दोस्त कई बार उसे जंगल ले जाने आए भी, लेकिन सारस ने दोबारा जंगल में रहना स्वीकार नहीं किया। कभी कभी सारस जंगल में दूसरे सारस साथियों के साथ जाता भी है तो शाम होते ही आरिफ के पास वापस लौट आता है। परिवार के दूसरे सदस्यों को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, फिर भी परिवार के सदस्य उसके पास जाने से डरते हैं। आरिफ भी सारस के खाने पीने का ध्यान रखते हैं। अपनी दोस्ती को लेकर आरिफ ने बताया, एक दिन मैं खेतों में सिंचाई कर रहा था, वहीं सारस मुझे घायल अवस्था में मिला। उसका पैर टूटा हुआ था, मैं उसे अपने घर ले आया, इलाज किया, खाना पीना दिया। कुछ ही दिनों में सारस ठीक हो गया। इसके बाद सारस वापस जंगल ही नहीं गया, वो मेरे साथ ही रहने लगा। जब मैं बाइक से कहीं जाता हूँ तो सारस मेरे साथ जाता है, मैं बाइक से जाता हूँ तो सारस सिर के ऊपर उड़ता है। अब तक वो मेरे साथ 30 से 40 किलोमीटर तक उड़ान भर कर जा चुका है। मुझे लगता है सारस का इलाज करने और जान बचाने के बाद ही उसे मुझसे लगाव हुआ है।